सिविल लाइन वार्ड दुर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों का हुआ सम्मान। इस अवसर पर दुर्ग महापर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। दुर्ग के वार्ड 40 सिविल लाइन स्थित सिंचाई कॉलोनी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के अलग अलग क्षेत्र से प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। यहां वार्ड के पार्षद नजहत परवीन ने बताया कि वार्ड 40 के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के हाथों बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को अल्ताफ अहमद ने प्रतिक्रिया दी। सिविल लाइन एजुकेशन कॉलोनी है और पूरे सिविल लाइन में एक से एक प्रतिभाएं हैं, तो हमारे सिविल लाइन एजुकेशन कॉलोनी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने खेल के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से स्थान पाया था। तो कॉलोनी वासियों लोग मिलके पार्षद हमारी नजत परवीन, उन्होंने सम्मान किया कि हमारे वार्ड में, वार्ड की कॉलोनी में इतने प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, उनका सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाया जाए ताकि वो और आगे बढ़ें और प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, तो अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने वार्ड का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें। उसमें कुछ महिलाएँ थी जो विभागीय स्तर पर जो खेल होता है उसमें उन्होंने भाग लेके इनाम पाया था, उनका सम्मान किए हैं। कुछ छात्र छात्राएं हैं जो कि शिक्षा में अधिक अंक पाए हैं, खेल के में उन्होंने आगे बढ़े हैं, उनका सम्मान किए थे हम लोगों ने। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।